हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे घर की मलाई से देसी घी, बिल्कुल शुद्ध देसी घी। तो वो कैसे बनाएं, और हाँ, वो भी बिल्कुल ज़बरदस्त से ट्रिक के साथ। तो यहाँ पे मैंने एक कप मलाई ली है, ये 2 दिन से मैंने बचा के रखा था फ्रिज में स्टोर करके। ये गाय के दूध की मलाई है। आपके सभी के घरों में दूध तो ज़रूर आते होंगे, तो आप बस उसकी जो ऊपर की छाली होती है वो निकाल निकाल के स्टोर कर लें। अगर आप ज़्यादा दिन से स्टोर कर रहे हैं तो आप 10 से 12 दिन के लिए अगर आप स्टोर करके रख रहे हैं तो इसे फ्रीज़र में रखें, और 1-2 दिन के लिए आप इसे स्टोर कर रहे हैं, आपके घर में ज़्यादा दूध आती है तो बस इसे नॉर्मल से फ्रिज में रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है इसे कढ़ाई में, मोटे तले की कढ़ाई ले आप, और बस इसे आप अच्छे से मिला लें। और जैसी मलाई जो है वो मेल्ट हो जाए, वो पिघलने लगे, बस इसमें हमें एक ट्रिक आजमाना है जिससे आपका मलाई से जो घी बनने का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है गेहूं का आटा। जी हाँ, ये भी सबके घरों में होता है। आप बस गेहूं के आटे को इसमें डालिए और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिए ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। ये देखिए, मैं जिस तरह से चला रही हूँ आप इसी तरह से बिल्कुल चलाते रहिए हाई फ्लेम पे। मैं यहाँ पे हाई फ्लेम पे आपको बता रही हूँ कि आप इसमें हाई फ्लेम पे देसी घी कैसे निकाल सकते हैं। आप चाहे तो मीडियम टू लो फ्लेम पे भी आप धीरे धीरे मलाई निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल कम वक्त में आप देसी घी कैसे निकाल पाते हैं, कैसे मलाई से आप देसी घी बना पाते हैं वो मैं बता रही हूँ। तो मैं यहाँ पे गैस के फ्लेम को मैंने कंटिन्यूसली हाई रखा है और इसे कंटिन्यूसली स्टेयर करते जा रही हूँ मैं। ये देखिए, 4 से 5 मिनट यहाँ पे हुए हैं और हमारा जो मलाई से जो घी बनने का जो प्रोसेस है वो लगभग स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं साइड साइड से घी छोड़ना स्टार्ट हो गया है। तो बस इसी तरह आप चलाते रहें, जैसे जैसे मलाई जो है वो सुकड़ती जाएगी इसमें से घी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। और ये घी जो है आप बिल्कुल शुद्ध घी आप निकाल रहे हैं, बिल्कुल बाज़ार में जो मिलती है, मार्केट में जो मिलती है मिलावटी घी, उससे आप अपने घर वालों को, बच्चों को बिल्कुल सेफ कर सकते हैं, आप बचा सकती है मिलावटी खाने से। और ये तो इतना इजी ट्रिक है कि आप एक बार अगर इसको इस प्रोसेस से अगर आप मलाई से आप निकाल लें घी, तो आपके घर में जब भी मलाई बचेंगे तो आप सबसे पहली जो आपके दिमाग में ये सोच आएगी वो है घी निकालने का। और घी तो मार्केट में इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है, तो क्यों ना हम घर की मलाई से ही आसान तरीके से घी निकालें। तो ये देखिए, बस ये जैसे ही गोल्डन कलर का आ जाए जो मलाई है, बस आप समझ जाएं कि आपका जो जितना घी निकलना है वो निकल चुका है। बहुत से लोग इसे बहुत ज़्यादा इसे चलाते हुए काला कर देते हैं, तो आपको अगर लगे कि हाँ आप इसमें से और घी निकलने वाली है तो आप इसे इस मलाई को चलाते रहें और बस जितना घी निकलता रहे उतना निकालते रहें। ये देखिए, यहाँ पे जब मलाई का कलर इस तरह का हो जाए तो मैं गैस के फ्लेम को कर दूँगी बिल्कुल ऑफ। ये देख सकते हैं इस तरह का कलर आ जाए गोल्डन कलर, तो फ्लेम को कर देना है ऑफ, और ऑफ करने के बाद इसे हम होने देंगे ठंडा। मैंने यहाँ पे फ्लेम को कर दिया है ऑफ, और इसे मैं छान के एक डब्बे में निकाल लूंगी। ये देखिए, बिल्कुल शुद्ध घी बनके तैयार है। तो आप इस ट्रिक को जरूर आजमाएं और एक बार मेरे कहने पे जरूर मलाई से घी बनाएं, और मुझे कमेंट करके बताएं कि कितना जल्दी आपका घी बनके तैयार हुआ है। तब तक के लिए थैंक यू।